आगा सराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद। पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। अदालती उस्मा स्पीकर सिंध असेंबली रूपोश होने के बाद मंजरेआम पर आ गए। नैब को सराज दुरानी का इंतजार। स्पीकर सिंध असेंबली का सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाने से इनकार। चार घंटे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, अदलिया का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी की कयादत ने कानून की पासदारी सिखाई। बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कहां से गिरफ्तार होना है। आगा सराज दुरानी। रिलीफ लेने के लिए आया था ना। रिलीफ होता है ना, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं रिलीफ के लिए। उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करेंगे। सर आप सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में या सिंध ही आगे करेंगे? निकलेंगे तो पता चलेगा। चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीरी मासरतनामा पढ़कर सुनाया। वफाकी वजीर को पेश होकर माफी मांगना पड़ेगी। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के केस में रुकन सिंध के रिमार्क। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फीसें ना देने पर बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। क्या ये है नया पाकिस्तान? हम कब तक खामोश रहेंगे? पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्विटर अकाउंट पर पैगाम। में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक किए गए। अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात का सफारत खाने से ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को हल्फनामा जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। खत का मतन। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट अफसोसनाक। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पेश कर रही है। ये सियासी नहीं कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे। फवाद चौधरी। हुकूमत ने चंद डॉलर्स के एवज खुद मुख्तारी बेच दी। कौम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सख्त नहीं। तमाम माफियाज को पीटीआई ने सपोर्ट किया। पीडीएम ने भी मुस्तकिल तौर पर तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक। अपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं। इन्हें सिर्फ इख्तदार की तड़प है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। वजीर आला पंजाब उस्मान मुस्ताक। लाहौर के हल्का ने 133 में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। हल्के में इंतखाबी जब्त अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। जगह जगह जहाजी साइज के फ्लैक्सीज और बैनर्स की भरमार। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। तजावजात गिराने के हुक्म के बाद सिंध हुकूमत एक्टिव। नई कानून साजी का आगाज। बिल के मुताबिक 90 रोज के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद रुक जाएगा। कमीशन तजावजात को रेगुलराइज करने का फैसला करेगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में नया बलदियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। बिल के जरिए पीपल्स पार्टी तमाम वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। दरख्वास्त गुजार का मौके। सूबाई हुकूमत इख्तियारात वापस लेने का बिल चोर दरवाजे से ला रही है। हलीम आदिल शेख।
मिनी बजट में गाड़ियां महंगी करने की तजवीज़, छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़, 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म, IMF की शर्त पर 360 अरब रुपए की टैक्स वसूली होगी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, 48 पैसे महंगा 176.90 रुपए पर ट्रेड, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। वज़ीर-ए-आज़म का साल 2022 को नौजवानों का साल नामजद करने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ने सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान दार को मुलाकात के लिए बुला लिया, टैलेंट हंट प्रोग्राम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फजाई आलूगी पर काबू पाने के लिए इकदाम, वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी इजलास तलब कर लिया, वफाकी वज़रा मौवनीन खुसूसी और आला हुकाम शरीक होंगे। मौके तदारुक से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, दीगर अजला के DCs भी फौरी इकदाम करें, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर अब 200 या 500 के बजाय 2000 रुपए का चालान होगा, जैसे शाहिद करीम के रिमार्क। कोरोना वायरस मजीद 8 अफराद की जान ले गया, 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 391 नए मरीज, मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,114 हो गई, मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड। पंजाब में डेंगू से 2 अफराद जान बहक, एक मरीज का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का ननकाना साहिब से है, सूबे भर में 24 घंटे के दौरान 48 मरीज रिपोर्ट, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 468 मरीज जेरे इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में वाली सवाद का घर एक्वायर करने का फैसला वापस, सूबाई हुकूमत ने घर एक्वायर करने का नोटिफिकेशन वापस दे दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अकवामी मुत्तहिदा में उठा दिया, मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी का खत भी पहुंचाया, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं, खत का मतलब। नाम नेहाद जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब, मोदी सरकार का मीडिया पर पाबंदियों का नया हरबा, पार्लियामेंट तक रसाई महदूद करने का कानून मुतारिफ, इकदाम के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। कौमी टेस्ट टीम की मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने नेट सेशन में हिस्सा लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। हर फॉर्मेट को एंजॉय कर रहा हूं, फोकस क्रिकेट पर है, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी का मौका मिला तो जरूर करूंगा, हसन के साथ बॉलिंग करते हुए अच्छा लगता है, बॉलर शाहीन आफरीदी। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से शिकस्त दे दी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल, सुपरस्टार खिलाड़ी टॉप लेवल फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अमरीका में छीना झपटी और धक्कमपेल का खेल, बास्केटबॉल मैच में मेम्फिस क्लब ने ओक्लाहोमा थंडर को 79 के मुकाबले में 152 पॉइंट से हरा दिया। पाकिस्तान फैशन वीक के रंग रंगारंग, मलबूसात पहनकर मॉडल्स के रैंप पर जलवे।